हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपकमिंग 125 सीसी सेगमेंट बाइक फ्रॉम टीवीएस। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, कंपनी ने कुछ टाइम पहले ही फियरो 125 जो है उसका ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया था इंडियन मार्केट में। और फिर जो है वो फ्रेंड्स पहले इंडियन मार्केट में सेल होती थी, बट इसका इतना डिमांड नहीं था तो कंपनी ने उस टाइम पे इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। बट जल्दी फ्रेंड्स कंपनी फियरो 125 को फिर से इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, क्योंकि अभी टीवीएस के पास 125 सीसी सेगमेंट में एक भी प्रोडक्ट नहीं है इंडियन मार्केट में, जो कि फ्रेंड्स वो डायरेक्टली जिससे कि कंपटीशन दे पाए बजाज की पल्सर वगैरह को, होंडा की एसपी वगैरह को। और अभी फ्रेंड्स ग्लैमर भी न्यू लॉन्च हो चुका है एक्सटेक वेरिएंट के साथ, जो कि काफ़ी फीचर्स के साथ आया है। तो ऐसे में सभी कंपनीज के पास लगभग यहाँ पे 125 सीसी सेगमेंट का प्रोडक्ट है, बस एक टीवीएस में और एक फ्रेंड्स अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यामाहा में आपको देखने को नहीं मिलता। और यामाहा की भी कुछ बाइक्स जो है वो अभी अपकमिंग में चल रही है, जैसे कि यामाहा की एमटी 125 हो गई, एफजेड 125 हो गई। ये सब प्रोडक्ट फ्रेंड्स यामाहा की तरफ से भी आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है इंडियन मार्केट में। अगर हम बात कर लेते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ फियरो 125 के बारे में कि कंपनी इसमें क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशंस ऑफर करेगी, क्या क्या फीचर्स आपको मिलने वाला है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी आपकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बाइक अपडेट्स मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 125 सीसी सेगमेंट में एक बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे तो आप थोड़ा वेट कर ले फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ टीवीएस अपनी 125 सीसी सेगमेंट की प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा लगभग में 12 BHP के अप्रॉक्स में, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 10.5 Nm के अप्रॉक्स में, और ये फ्रेंड्स 5-स्पीड गियरबॉक्स सेटअप के साथ आएगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके टॉप स्पीड के बारे में, तो फ्रेंड्स इसका जो टॉप स्पीड है वो आपको 110 किलोमीटर के अप्रॉक्स का देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स अगर देखा जाए, हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें कंपनी फ्रेंड्स फ्रंट में आपको हेलोजन प्लस से डिजिटल का जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफर करेगी, जिसमें कि आपको LED में DRLs मिल जाएगा और मेन बल्ब जो है वो आपको हेलोजन में मिलेगा। टेल लाइट आपको कंपनी इसमें LED में ऑफर करेगी। अगर हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो इसका जो मीटर कंसोल है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा फुल्ली डिजिटल, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको लगभग मतलब मॉडर्न फीचर्स मिल जाएंगे, बट मतलब आप बोल सकते हैं कि बेसिक फीचर्स ही मिलेगा। कनेक्टिविटी फीचर्स वगैरह कंपनी अभी इसमें आपको ऑफर नहीं करेगी, काफ़ी कम चांसेस है कि कंपनी कनेक्टिविटी फीचर ऑफर करे। बट फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो अभी ग्लैमर यहाँ पे एक्सटेक में अपनी ऑफर कर रही है, तो हो सकता है कंपनी इस बार डायरेक्टली इस बाइक को जो है वो कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ ही लॉन्च करे। अगर हम बात कर लेते हैं इसके टायर वगैरह के बारे में और ब्रेकिंग वगैरह के बारे में, तो कंपनी इसमें फ्रंट में आपको 90 सेक्शन का टायर प्रोवाइड करेगी, जो कि 17 इंच के अलॉय व्हील पर रहने वाला है, और रेयर में आपको 110 सेक्शन का टायर मिलेगा, जो कि 17 इंच के अलॉय व्हील पर ही रहेगा। इसमें फ्रेंड्स आपको कंपनी ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड करेगी। अगर हम बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलेगा, रेयर में कंपनी आपको मोनोसॉक्स प्रोवाइड करेगी। और ब्रेकिंग फ्रेंड्स इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, जिसमें कि फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। फ्रंट में 270 mm का डिस्क ब्रेक कंपनी प्रोवाइड करेगी, रियर में 130 mm का आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके माइलेज वगैरह के बारे में, तो इसका जो माइलेज है वो फ्रेंड्स आपको 55 से 60 के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे से राइड करेंगे, टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस करवाएंगे, तो अच्छा माइलेज आपको ऑफर कर देगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल डिज़ाइन और लुक्स के बारे में, तो काफ़ी अग्रेसिव लुक्स के साथ आने वाली है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ कंपनी इसे लॉन्च करेगी, और इसमें फ्रेंड्स बिल्कुल ही न्यू ग्राफिक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च और इसके प्राइसिंग वगैरह के बारे में, तो फ्रेंड्स इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है वो आपको लगभग में यहाँ पे 90 से 95,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलेगा एक शोरूम, जो कि ऑन रोड लगभग में 1,15,000 to 20,000 रुपीज़ के आसपास जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये रहने वाला है। और देखा जाए फ्रेंड्स तो बजट ही ऑफरिंग रहने वाली है, ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पे कंपनी कुछ हायर प्राइस नहीं रखेगी। हो सकता है इसमें कंपनी आपको दो वेरिएंट्स ऑफर कर दे, एक कनेक्टिविटी के साथ, एक बिना कनेक्टिविटी के साथ। और अगर हम बात कर लेते हैं लॉन्च के बारे में इसका, तो फ्रेंड्स ये इस ईयर के फेस्टिवल सीजन तक, मतलब आप मानकर चल सकते हैं कि नवंबर के आसपास तक ये इंडियन मार्केट में आपको लॉन्च होती हुई दिख जाएगी। जैसे तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इस बाइक का वेट कर सकते हैं, अगर फ्रेंड्स अगर आपको तुरंत में लेना है तो। और काफ़ी सारी बाइक्स है इंडियन मार्केट में 125 सीसी सेगमेंट जो कि काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आ रही है, आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही था फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ आपकी जितनी भी डाउट्स होगी वो सब क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।